चराग उठाओ के आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ के एक राह बनाए। उतारो पांव से मेहंदी की ये पांव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पांव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। अम्मा जी कहती है बड़ी सुंदर बहू लाई हो अम्मा जी। कैसी प्यारी लग रही है दुल्हन। पसंद आई, घर आना लड्डू खिलाऊंगी। अरे कुमुद ये क्या, नई बहू को लेकर कहाँ जा रही है? अरे नजर लगवाएगी क्या? तुम्हारी टोकने की आदत गई नहीं है? जहाँ मैं बहू को लेकर जा रही हूँ वहाँ उसे नजर नहीं लगेगी, उल्टे वहाँ उसे सीख मिलेगी। ओहो सारी दुनिया की समझ तो तुझ में है, तू ही दे दे थोड़ी सी। वो तो तू ठीक कह रही है दुलारी, चल बहू कहीं सविता बहन जी चली ना जाए। बहन जी नमस्ते। अरे अम्मा जी नमस्ते। अम्मा जी। बहन जी ये है मेरी बहू राधा, बड़ी समझदार है। और बहू ये है सविता बहन जी, हमारी गांव की ANM। तुम्हें जो कुछ पूछना है इनसे पूछ सकती हो, ये सब अच्छे से समझा देंगे। बिल्कुल राधा। अम्मा जी ये आपने बहुत अच्छा किया जो इसे यहाँ ले आई। अच्छा मैं बाहर बैठती हूँ, कहीं बहू मेरे सामने संकोच ना करे, ठीक है? ठीक है अम्मा जी, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, मैं राधा को सब कुछ अच्छे से समझा दूंगी। और इसके मन में भी कोई प्रश्न होगा तो पूछ लेगी, क्यों राधा जी? जाओ बैठो। अम्मा जी बुरा ना माने तो एक बात पूछूं। पूछ पूछ। अम्मा जी आप अपनी नई नवेली बहू को परिवार नियोजन क्यों समझाना चाहती हैं? हम तो सोचते थे कि आप अपने पोता पोती का मुंह देखने की मन्नत माने बैठी होंगी। वो भी देख लूंगी, पर ऐसी जल्दी भी क्या है, अभी अभी तो मेरे बेटे का ब्याह हुआ है। बहू जरा घर परिवार में रच बस जाए, दोनों पति पत्नी एक दूसरे को समझ लें, फिर सोच समझ कर अपना परिवार आगे बढ़ाए। ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हो अम्मा जी, जीवन में सुख दुख तो लगे ही रहते हैं, आदमी औरत एक दूसरे को समझें, सहारा दें, तो बुरा समय भी चुटकियों में निकल जाता है। अरे वाह लाली, तू तो बड़ी समझदारी की बातें कर रही है। तुम्ही से सीखा है अम्मा जी। चल जिससे भी सीखा अच्छा सीखा। पर कुछ लोग जब भी सीखते हैं गलत ही सीखते हैं। अब बड़े घर के मंगत को ही ले लो, उसकी औरत फूलवती पेट से थी। मंगत ने ये तो सीख लिया कि जात से ये पता चल जाता है कि गर्भ में लड़का है या लड़की, पर ये नहीं सीखा कि ये गैर कानूनी है। गर्भ में जब लड़की हुई तो फूलवती से जबरदस्ती गर्भ गिरवा दिया। फूलवती बेचारी क्या करती और क्या ना करती, उधर उसकी लड़कियां भी बड़ी हो रही थी। फिर एक दिन हिम्मत करके फूलवती ने अपने मन की बात सविता बहन जी से कह ही डाली। इतने अबॉर्शंस शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, और बेटा है या बेटी इसके लिए टेस्ट करना या फिर इस वजह से बच्चे को गिराना ये तो गैर कानूनी है। अरे बहन जी हमारी मर्जी कहाँ चलती है इन मामलों में। पर
बच्चा ना हो इसके लिए गर्भ निरोधक का इस्तेमाल तो किया ही जा सकता है, और अब इस वक्त ये आपके लिए बहुत जरूरी है। आपके पति सावधानी रख सकते हैं। नहीं बहन जी, इस्तेमाल करना तो दूर की बात, एक दफा सुन भी ले तो। पर सरपंच जी, आप तो गर्भ निरोधक गोलियां ले ही सकती हैं, और इसके लिए तो आपको अपने पति की इजाजत की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या करना होगा इसमें? एक मिनट। ये लीजिए, इन्हें खाना है पानी के साथ, और फिर जब आप गर्भधारण करना चाहें तो इन्हें छोड़ भी सकती हैं। और इसके बारे में किसी को खबर भी नहीं होगी। आप एक हफ्ता रुक जाइए, अगर आपका महीना शुरू नहीं होता है तो फिर हम CSC चलेंगे जांच के लिए, लेकिन अगर आपका महीना आ जाता है तो आप इन गोलियों का इस्तेमाल शुरू कर सकती हैं। महावारी के 5वें दिन से इन्हें लेना होता है। पहले 21 दिन ये सफेद वाली गोलियां, और 22वें दिन से ये 7 भूरी गोलियां लेनी है। उसके बाद इसी तरह से इन गोलियों को लेते रहना है जब तक आप गर्भ धारण करना ना चाहें। मैं समझ गई बहन जी, उससे भी ज्यादा ये समझी हूं कि अब डर के नहीं जीना है। अब किसी मासूम की हत्या का दोष हम पर नहीं लगेगा। मैं तो समझती हूँ फूलवती ने एकदम ठीक किया बार बार गर्भ करवाना। क्या बीतती है एक औरत के शरीर पर और मन पर, ये एक औरत ही समझ सकती है। आ गई तू, मुझे पहले ही पता था तुझसे रोका नहीं जाएगा। मैं क्यों आऊँ तुम्हारे पीछे पीछे? मैं तो ऐसे ही आई हूँ, देखू कैसा चल रहा है बहन जी का स्वास्थ्य केंद्र। हाँ हाँ, जी भर के देख, अच्छी तरह देख, कितनी औरतें आई हुई हैं बहन जी से सलाह लेने। मैं तो कहती हूँ दुलारी, अपनी बहू को भी ले आ, उसका भी तो नया नया ब्याह हुआ है। कोई जरूरत नहीं है, 6 बच्चे पाले हैं मैंने और मेरी सास ने 10। आजकल की लड़कियां तो हर बात पे हो हल्ला करती हैं, अब तू जैसी सासें उनको और उल्टी सीधी सीखें देती हैं। भाई मैं तो अपनी बहू को एक ही सीख देती हूँ कि पहले बच्चे में जल्दी नहीं, और दूसरा बच्चा सोच समझ के कम 2 साल के अंतर पे करे। हे भगवान, तो क्या आप उसे गर्भ निरोधन के उपाय करने देंगी? और नहीं तो यहाँ क्यों लाई हूँ बहन जी के पास, ताकि वो समझ जाए कि उसे क्या करना है और अपने पति से क्या बात करनी है। बस बस बस, यही सुनने को रह गया था। तो क्या भगवान की मर्जी से खिलवाड़ करेगी कुमुद? एक बात बता, रोटी खाती है तू? हाँ। तो कौन से पेड़ पर उगाते हैं भगवान जी रोटियाँ? हम गेहूँ काटते हैं, पीसते हैं, फिर आटे से उनकी रोटियाँ बनाते हैं, क्योंकि भगवान जी ने हमें बुद्धि दी है और वो हमसे कहते हैं कि कच्चा गेहूँ खाने से पेट में दर्द हो जाता है। कुमुद, रोटियों का परिवार नियोजन से क्या वास्ता? वास्ता है, जैसा कि हम जानते हैं कि कच्चा गेहूं खाने से पेट में दर्द हो जाता है, ऐसे ही हम ये भी जानते हैं कि बार बार जल्दी जल्दी एक के बाद एक बच्चा जन्मने से माँ और बच्चा दोनों ही कमजोर हो जाते हैं। इसलिए हमें भगवान की दी हुई बुद्धि चलानी चाहिए और हमें ये जानना चाहिए कि कैसे अनचाह गर्भ रोका जाए। मतलब परिवार नियोजन करे? और नहीं तो क्या, क्या समझी? देखा तो तुमने भी होगा कि सही समय पर बच्चा होने से माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ रहते हैं। तो अब जल्दी से मेरे एक प्रश्न का जवाब दो। ये बताओ, परिवार नियोजन के क्या क्या फायदे हैं?
आप स्वस्थ और सेहतमंद रहती हैं, बच्चे स्वस्थ रहते हैं और आप हर बच्चे का ज्यादा ध्यान रख पाती हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहती है और बच्चों का पालन पोषण और उनकी शिक्षा ठीक से हो पाती है। ये सभी बातें सही हैं। तो बातचीत की तुम लोगों ने, अपने आसपास देखा भी होगा। परिवार नियोजन का मतलब है परिवार सोच समझ के बढ़ाना, ताकि तुम भी स्वस्थ रहो और बच्चे भी स्वस्थ हों। चलो, मैं ये मान भी लेती हूँ कि बच्चों के बीच अंतर हो, पर पहला बच्चा तो जल्दी से जल्दी हो जाए तो अच्छा है। नहीं, परिवार बढ़ाने से पहले जरूरी है उसकी नींव मजबूत करना। पति पत्नी एक दूसरे को जान लें, समझ लें, मेल जोल से चले तो परिवार में सुख और शांति होती है। पर नई दुल्हन को ये क्या कहते हैं, गर्भ निरोध करवाओगी? कुछ ऊंच नीच हो गई तो? कोई ऊंच नीच नहीं होगी, बहुत सारे उपाय हैं गर्भ निरोध के और सबके सब सुरक्षित। लो, कर लो बात, बहू को तो समझा देगी, पर उसका आदमी मानेगा क्या? चलो, तुम्हारा बेटा मान भी गया तो इसका इन सबके आदमी मानेंगे? ये तो तू ठीक कह रही है दुलारी, तभी तो मैं कहती हूँ कि आदमी और औरत को एक दूसरे का सुख दुख समझना बहुत जरूरी है, ताकि पत्नी जब पति को सही बात बताए तो वो समझ ले। राधा, आज तो गर्भ रोकने के काफी सारे साधन मौजूद हैं, पर सबसे आसान है ये। ये इसे कॉन्डोम कहते हैं। अगर तुम्हारे पति इसका इस्तेमाल करेंगे तो तुम गर्भधारण नहीं करोगी। पर मैं उनसे ये कैसे कहूंगी? मैं समझती हूँ राधा, कि एक नई दुल्हन के लिए अपने पति से कॉन्डोम की बात करना शर्म आएगी, झिझक भी होगी। पर सोचो, अगर पति पत्नी आपस में खुल के बात करेंगे तो काफी सारी समस्याएं तो यूं ही सुलझ जाएंगी। मेल जोल से ही घर परिवार मजबूत बनता है, और इसके लिए जरूरी है कि औरत आदमी को अपने दिल की बात बताए और आदमी उसका पूरा साथ दे। तू यहाँ प्रवचन दे रही है, वहाँ सविता बहन जी तेरी बहू को क्या क्या पाठ पढ़ा रही है? बहन जी पाठ पढ़ा रही होंगी तो ठीक ही पढ़ा रही होंगी, पर तुझे ये सब कैसे पता? वो मैं पीछे खिड़की में से झांक कर सुन रही थी। तुझे ताक झांक करने की क्या जरूरत है? सीधे सीधे चलकर बहन जी से बात कर ले। मुझे नहीं सुननी उनकी बातें। फिर ताक झांक क्यों कर रही थी? मत समझ, देख ना पछताएगी। लगता है तुम अपने पति को कॉन्डोम इस्तेमाल करने के लिए मना लोगी, पर कई पति तैयार नहीं होते। ऐसे में औरतों के पास दो उपाय होते हैं, एक तो ये गर्भ निरोधक गोलियां। और दूसरा कॉपर्टी। कॉपर्टी उन औरतों के लिए बहुत अच्छा है जिन्होंने अपना परिवार पूरा कर लिया है, जिन्हें और बच्चे नहीं चाहिए। इसे लगाने के 10 साल बाद तक निश्चिंत हो जाते हैं, पर यदि उनका मन बदल जाए और वो और बच्चे चाहें तो उसे निकलवा भी सकते हैं। उसे निकलवाने के बाद औरत गर्भधारण कर सकती है। इसके अलावा ये गर्भ निरोधक गोलियां, जिसे लेने से गर्भधारण नहीं होता, और अगर गर्भधारण करना चाहो तो इन्हें लेना बंद कर दो। लेकिन मैंने तो सुना है कि इन गोलियों को खाने से औरतें बीमार पड़ जाती हैं और बाद में बच्चा नहीं हो पाता। नहीं राधा, ये सच नहीं है। ये गोलियां तो बहुत सुरक्षित है, अगर तुम चाहो तो तुम ही इन्हें लेने की सोच सकती हो। पर मैं क्यों सोचूं? आप ही ने तो कहा था कि 18 साल की उम्र के बाद एक औरत का शरीर बच्चा जनने के लिए सही रहता है, और मैं तो 19 की होने वाली हूँ।
हाँ कहा था मैंने, पर क्या तुम अपने पति को जानना नहीं चाहती? कुछ समय उन्हें जानो, उनके साथ वक्त बिताओ, उसके बाद जब दोनों की मर्जी हो तो तीसरे को घर ले आओ। हाँ मैं तो अपने पति को अभी जानती भी नहीं हूँ, थोड़ा समय तो लगेगा उनसे खुलने में, उनसे दिल की बात करने में। मैंने तो अपनी भाभी को भी कहा अपने गांव की ANN से जाकर मिल लो, डर की कोई बात नहीं है, औरत वो भी है और तुम भी। सही समझाया तूने लाली, शंका दूर करने का सबसे सही तरीका ये है कि किसी ऐसे से पूछो जिन्हें इन सब चीजों की जानकारी हो। आगे आप बहन जी, अभी अभी यही चर्चा चल रही थी कि आपके आने के बाद गांव में हम औरतों को कितनी आसानी हो गई है। ये तो मेरा फर्ज है अम्मा जी, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि गांव की और भी औरतें मेरे पास आए ताकि मैं उनकी मदद कर सकूं। बहन जी सब कुछ ठीक से समझा दिया है ना अपने मेरी बहू को? आप बेफिक्र रहिए अम्मा जी, अब आपके पोता पोती तभी होंगे जब राधा और उनके पति चाहेंगे। क्यों राधा? मैं जानती थी आप सब कुछ अच्छे से समझा देंगी, फूलवती को भी तो आप ही ने सलाह दी थी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब सरपंच जी ने अपनी खुद की मदद करना भी सीख लिया है। हाँ क्या किया उसने? उन्होंने CSC जाकर कॉपर टी लगवा ली, अब 10 साल तक कोई चिंता नहीं। ये तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, फूलवती को और बच्चे चाहिए ही नहीं तो उसने कॉपर टी का सहारा लिया। बिमला को दूसरे बच्चे में कुछ और समय चाहिए था तो उसने गोलियां लेनी शुरू कर दी, जिसकी जैसी आवश्यकता वैसे ही गर्भ निरोधन के उपाय मिल सकते हैं, क्यों बहन जी? बिल्कुल अम्मा जी, और ये सभी साधन बिल्कुल सुरक्षित हैं। इन्हें लेने से माँ को कोई भी खतरा नहीं होता, बल्कि इनके इस्तेमाल से माँ और बच्चा दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। बात तो तुमने लाख टके की कही है बहन जी, और ये बहुत सी औरतें जानती भी हैं पर इस्तेमाल नहीं करती। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, जरा आपस में सलाह मशवरा करके सोच समझ कर इसका जवाब दो। गर्भ निरोधन के बहुत से उपाय हैं, वो क्या उपाय हैं? और औरतें ये बातें जानती भी हैं, फिर भी इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करती? क्योंकि आपको लगता है कि ये सुरक्षित नहीं है और इससे आपके शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। ना ना, मुन्ना के पापा